नमस्कार सभी को। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आप लोग के लिए जो है एक यहाँ पे टॉपिक लाया गया है, टीजीटी पीजीटी 11th या जीआईसी या नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए। और यहाँ से जो है एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये जूलॉजी का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस, और इसमें हम लोग कंप्लीट इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस, इसको हम लोग को पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ जो है बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्लैटिहेलमिन्थेस की, तो प्लैटिहेलमिन्थेस एक फाइलम है। और इस फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी क्या है? इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हेलमेंथेस। तो हेलमेंथेस जो एनिमल है उनकी जो स्टडी हम करते हैं वो किसमें करते हैं? एक साइंस का ही ब्रांच है जिसको हम कहते हैं हेलमेंथोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं प्लैटिहेलमिन्थेस टर्म की, तो प्लैटिहेलमिन्थेस टर्म को जो है गेगेनबर्ग ने जो है दिया था सबसे पहले। तो गेगेनबर्ग ने क्या किया था, गिव द टर्म प्लैटिहेलमिन्थेस, इन्होंने प्लैटिहेलमिन्थेस टर्म या शब्द को दिया था। प्लैटिहेलमिन्थेस की खास बात क्या होती है? इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, मतलब ये थोड़े से चपटे होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम फ्लैट वर्म से नाम से जानते हैं। और सबसे खास बात फ्लैट वर्म की अगर हम बात करें, जो विदाउट स्केल्टन होते हैं, इनके अंदर जो है कोई स्केल्टन सिस्टम नहीं होता है, जिसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो प्लैटिहेलमिन्थेस के अंदर ऑर्गन ग्रिड लेवल पाया जाता है, मतलब यहाँ पे इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन ग्रिड लेवल का होता है। ब्लाइंड सैक प्लेन होते हैं उसके साथ पाया जाता है। इसके अलावा ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होता, ये पैरेन्काइमा या मेसेन्काइमा से फिल्ड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर से कवर्ड होते हैं। इसके अलावा ये बायलेटरल सिमेट्रिकल को रखते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर इनकी बॉडी को बीच से कट किया जाए तो ये दो सेम सेम पार्ट में क्या होंगे, डिवाइड कर जाएंगे। तो इसी सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम रख देते हैं। और क्या है, देखिए बॉडी ऑर्गन जो होता है वो पैक्ड होता है। अभी मैंने बताया ये एसिलोमेट है, मतलब इनके अंदर फिल्ड होगा या चारों तरफ से कवर्ड तक है पैरेन्काइमा या मेसेन्काइमा, जो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। तो बॉडी ऑर्गन आर पैक्ड विथ पैरेन्काइमा और मेसेन्काइमा एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। मोस्टली इंडो पैरासाइट्स होते हैं। इंडो पैरासाइट्स का मतलब क्या है कि ये हमेशा जो होते हैं किसी ना किसी एनिमल के इनसाइड होते हैं, मतलब उनके अंदर पाए जाते हैं। और कोई एनिमल में अगर हम देखें तो इसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होता है, और ये इंडो पैरासाइट है। पैरासाइट जब टर्म आ जाता है इसका मतलब ये डिजीज काजिंग होंगे, ये कोई ना कोई डिजीज काज करते होंगे, कोई ना कोई बीमारी फैलाते होंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो क्या है, इंडो पैरासाइट्स है। इसके अलावा सिविलाइजेशन को रखते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, इनमें हेड जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ हेड, हेड का डिफरेंशिएशन होता है। और यहीं से स्टार्ट भी होता है, इसी प्लेटफॉर्म से या प्लेटिहेलमिन्थेस से स्टार्ट भी होता है सिविलाइजेशन। एक्सक्रीशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है या एक्सक्रीशन पाया जाता है। उसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक सिविलाइजेशन होता है इनके अंदर, और दूसरा इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें, ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि इनमें मेल और फीमेल जो होता है वो दोनों ऑर्गन सेम बॉडी या एक ही बॉडी में होता है। तो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो होते हैं सिंगल बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट या मोनोईसीयस हम कहते हैं, मोनोईसीयस। ठीक है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जहां पे इनडायरेक्ट आ जाएगा मतलब वहां पे लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन प्लेटी हेलमेंथीज के मेंबर्स में
लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा, किसी में लार्वल स्टेज होंगे किसी में नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लार्वल स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हर्माफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन इंटरनल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। इसके साथ साथ अगर हम देखें इनके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हैबिट और हैबिटेट, हैबिट का मतलब इनका स्वभाव और हैबिटेट का मतलब वास स्थान, कहाँ पाए जाते हैं, इन दोनों के बेस पे इनको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला जो क्लास है जिसको हम कहते हैं टर्बुल एरिया, ठीक है ना। दूसरा जो क्लास होता है जिसको हम कहते हैं ट्रीमेटोडा, और तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोडा। तीनों के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर या उनके हैबिट और हैबिटेट अलग अलग होते हैं, इसी बेस पे इनको तीनों को डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास कौन सा है, टर्बुल एरिया, दूसरा क्या है ट्रीमेटोडा, और तीसरा क्या है क्लास सिस्टोडा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है कि कौन सा मेंबर किस क्लास का है, ये क्वेश्चन आप में पूछते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों को देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, ट्रीमेटोडा को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास ट्रीमेटोडा को। देखिएगा ट्रीमेटोडा को खास बात क्या है, इसको ईडी वॉर्म कहते हैं। इसके अंदर कौन इंक्लूड होते हैं, इनके अंदर ईडी वॉर्म इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और विदाउट सकर्स होते हैं। इनके अंदर कोई भी सकर्स नहीं पाया जाता। सकर्स क्या है, जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं, जिसके थ्रू किसी न्यूट्रिशन को शक करते हैं, ये इनमें काम करता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है विथ रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। सबसे खास बात कि इनमें जो मेंबर्स आते हैं इनमें रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर देते हैं, अगर इनकी बॉडी कई पार्ट में कट हो जाती है तो हर एक पार्ट डेवलप करके एक नया बॉडी बना लेता है। तो ये खास बात होती है टर्बुल एरिया की, और खास कर ये प्लेन एरिया में। ग्रिगोरियस होते हैं, ग्रिगोरियस का मतलब क्या है, ये लिव इन ग्रुप्स, ये एक साथ ग्रुप में होते हैं। इसके अलावा ये बाईफ्लैजिलेटेड, इनमें स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म के दो फ्लैजिला होते हैं, और साथ साथ इक्टोलेसिथल एक पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है ना। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और जहाँ पे डायरेक्ट शब्द आ जाए मतलब क्या है कि वहाँ पे लार्वल स्टेज जो होगा वो नहीं होता है या एबसेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्यूगेशिया या प्लेनेरिया जो होता है इसका मेंबर है टर्बुल एरिया क्लास का, जिसके अंदर वन पेयर ओसिली या आई पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर डायग्राम से देखें प्लेनेरिया को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दो पोर्शन होता है, ये एंटीरियर पोर्शन है और ये क्या है पोस्टीरियर पोर्शन है। अब इस पे दो सरफेस भी होते हैं, एक एक जो होता है इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस ऊपर वाला, और एक जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या वेंट्रल सरफेस, जो नीचे वाला पार्ट होता है। डॉर्सल सरफेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ये जो आपको कैविटी दिख रहा है बीच में इसको हम कहते हैं क्या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इनके अंदर आई स्पॉट या ओसिली पाया जाता है दो तीन, इनके अंदर ब्रेन भी है, साथ साथ इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया है जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इसी को हम फ्लेम सेल्स या इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या सोलिनोसाइट्स, ठीक है ना। तो सोलिनोसाइट्स, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किसके अंदर, प्लेटी हेलमेंथीस के अंदर। अब देखिए और क्या चीजें हैं, एक और क्लास है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा क्या है, ये सेकेंड क्लास है। इसकी अगर हम बात करें इनके अंदर कौन इंक्लूड है, इनके अंदर फ्लुक्स इंक्लूड है, ठीक है ना। और ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये भी इंडो पैरासाइट है, लेकिन इनके अंदर क्या पाया जाता है सकर्स होता है, जबकि टर्बुल एरिया के अंदर जो होते हैं ये सकर्स प्रेजेंट नहीं होते, बॉडी अनसेगमेंटेड होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे लार्वल आ जाते हैं। तो वन टू मेनी लार्वल स्टेजेस इज प्रेजेंट इन ट्रीमेटोड्स। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे फैसियोला, फैसियोला क्या है, इसको हम लीवर फ्लुक्स कहते हैं। कभी कभी पूछ सकता है लीवर फ्लुक्स किनको कहते हैं, तो फैसियोला को। फिर एक और मेंबर सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा की अगर हम बात करते हैं, स्किस्टोसोमा की अगर हम बात करें तो इसको हम ब्लड सकर्स के नाम से जानते हैं। तो कह सकता है कि इनमें से कौन सा ब्लड सकर्स है, तो सिस्टोसोमा को हम क्या कहते हैं, ब्लड सकर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोनों डायग्राम दिए हैं, देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये जो है फैसियोला का है, और ये जो है ये सिस्टोसोमा का है। फैसियोला की सबसे पहले बात करें, इसके अंदर दो जो है ओपनिंग पार्ट होता है या दो सकर्स पाए जाते हैं, खास बात होती है। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं ओरल सकर्स,
और एक जो होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल सकर्स। ओरल सकर्स ओरली पार्ट में होता है और ये वेंट्रल साइड में होता है। तो दो इसमें होते हैं, एक जेनाइटल पोर होता है और ये जेनाइटल पोर जो है ओरल सकर और वेंट्रल सकर के बीच में होते हैं। ओरल सकर से ही एक माउथ ओपन होता है और ये स्ट्रक्चर होता है किसका, लिवर फ्लूड का या फैसियोला का। इसके साथ साथ इसके नीचे जो है एक एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, ठीक है ना, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आ करते हैं, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये है क्या, सिस्टोसोमा। इसके अंदर ये वाला मेल और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो आपको क्या है, फीमेल, ठीक है ना। और इसके ये स्ट्रक्चर है, तो ये आप में है नहीं एक्चुअली, ये जो सिलेबस में है कि ये है लिवर फ्लूड और एक है फैसियोला, सॉरी फैसियोला और एक और है आपका टीनिया, ये दोनों। तीसरा हम लोग क्लास आते हैं, तीसरे क्लास को हम कहते हैं क्या, सिस्टोडा, ठीक है ना। तीसरा क्लास कौन सा, सिस्टोडा। इसके अंदर कौन इंक्लूड है, इसके अंदर टेप वॉर्म्स इंक्लूड है। और ये भी कैसे होते हैं, ये भी पैरासिटिक होते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनकी खास बात है। ट्रिमेटोडा के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे केवल सकर्स था और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सकर्स और हुक दोनों प्रेजेंट होते हैं। बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड होता है और तीन पार्ट में डिवाइड होता है, स्कॉलेक्स, नेक और किसमें, स्ट्रोबिला में। स्कॉलेक्स, नेक्स और स्ट्रोबिला में ये डिवाइड होते हैं। स्ट्रोबिला जो होता है वो कंसिस्ट होता है प्रोग्लॉटिड से। प्रोग्लॉटिड्स की अगर हम बात करें, अब ये भी तीन होते हैं, एक इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होता है, दूसरा मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होता है और तीसरा जिसको हम ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इन तीनों को देखेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनके भी अंदर डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट, जैसे ट्रिमेटोडा के अंदर था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर दो मेंबर हैं, एक टीनिया और एक क्या है, इकाइनोकोकस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए टीनिया किस क्लास से रिलेटेड है, तो टीनिया किससे रिलेटेड है, सिस्टोडा से। इकाइनोकोकस किस क्लास से रिलेटेड है, किस क्लास से रिलेटेड है, सिस्टोडा से। इसमें से कौन सा टेपोआम है, एक ऑप्शन दे देगा इकाइनोकोकस, तो वो क्या होगा, इकाइनोकोकस। यहाँ पे पूछ देगा सिस्टोसोमा किस क्लास से रिलेटेड है, तो वो ट्रिमेटोडा से, तो ये आपको याद रखना है। फैसियोला पूछेगा तो ये भी क्या है, ट्रिमेटोडा से। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, टीनिया का है। टीनिया की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्कोलेक्स, दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेक, और तीसरा जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस भी, सॉरी स्ट्रोबिला, तो स्ट्रोबिला भी तीन पार्ट में, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं। इसके अंदर हुक भी पाए जाते हैं, रोस्टेलम भी पाया जाता है और सकर्स भी होते हैं, सकर्स एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, पढ़ना भी है ये टीनिया के बारे में, तो ये समझ में आया सिस्टोडा क्या है। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके बारे में, इसको हम कहते हैं इकाइनोकोकस। ये भी हेड में, नेक में ग्रिमिनल मास पाया जाता है, यूट्रस होते हैं, टेस्टिस होती है, यूट्रस होता है। ये भी हर्माप्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं, हम लोग दो पढ़ना है, एक फैसियोला हिपैटिका और एक टीनिया सोलियम, और थोड़ा थोड़ा उन दोनों को भी देखेंगे, इकाइनोकोकस को, सिस्टोसोमा को। सबसे पहले फैसियोला हिपैटिका को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं लिवर फ्लूइड, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने बताया कि अगर हम बात करें, इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सभी पैरासिटिक हैं, और इस फैसियोला हिपैटिका की बात करते हैं तो ये डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट होते हैं। डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट का मतलब क्या है, इसके जो होस्ट होते हैं वो दो होते हैं और दोनों की बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, उनके सेल्स को खा के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट। अब आपको याद रखना है क्या, इसमें दो होस्ट होते हैं ये तो मैंने बताया, अब प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है और सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, तो प्राइमरी होस्ट जो होता है इनके अंदर वो क्या होते हैं, सिप। तो फैसियोला हिपेटिका का जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, सिप है, जिसको हम भेड़ कहते हैं, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल है। स्नेल में अगर हम देखें लिमनेया और प्लेनॉर्बिस, ये अलग अलग हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो फैसियोला हिपेटिका का प्राइमरी होस्ट सिप होता है और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, स्नेल होता है। ये जो है इनकी खास बात क्या है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, मतलब इनके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, उसमें हेप्लॉटिक, हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों स्टेज आएगा, हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों स्टेज
अल्टरनेट करके आते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अलावा अल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी होता है। अल्टरनेशन ऑफ होस्ट का मतलब इनके अंदर दो होस्ट हैं, एक सिप और एक क्या है स्नेल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके अंदर दो जो है सकर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है ओरल जो एंटीरियर जिसको सकर्स भी हम कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल सकर्स, या जिसको हम एक और नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मिसप्रिंट, इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, एसिटाबुलम, ठीक है। तो वेंट्रल सकर्स या एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरह के सकर्स हैं। अब यहाँ पे देखें कौन कौन से, तो देखिए मैंने मैंने बताया क्या, एक ये सकर इसको हम ओरल सकर कहते हैं, और दूसरा जो सकर है वो क्या है, ये वेंट्रल सकर। इसी वेंट्रल सकर को हम क्या कहते हैं, एसिटा बुलम। इसके साथ साथ इनके अंदर एक जेनाइटल पोर होता है, ठीक है, और फिर सबसे नीचे अगर हम बात करें तो एक एक्सक्रेटरी पोर होता है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और ये माउथ बाहर की तरफ क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे, जहां पे ये लिखा है क्या, ए सिंगल मिड वेंट्रल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट। एक सिंगल मिड जेनाइटल पोर होता है, इसी को हम कहते हैं मिड वेंट्रल जेनाइटल पोर, जो किसके बीच में है, ओरल सकर्स और वेंट्रल सकर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जहां पे लिखा है क्या, ए सिंगल मिड वेंट्रल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू सकर्स एंड एक्सक्रेटरी पोर इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर बॉडी एंड। ये देखिएगा, ये एंटीरियर बॉडी एंड है और ये पोस्टीरियर बॉडी एंड है, और पोस्टीरियर बॉडी एंड पे एक्सक्रेटरी पोर भी पाया जाता है जो एक्सक्रीजन में हेल्प करता है। इट हैज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओ टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स एक और लाउरर कैनाल्स होता है जो एक कॉपुलेटरी ट्यूब की तरह फंक्शन करता है। मेलिस ग्लैंड या सेल्स ग्लैंड्स भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी एनस नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेस्ट डेवलप्ड एज ए पैरासिटिक एडाप्टेशन। इसके साथ साथ ये भी क्या है, हर्माप्रोडाइट है, और इसके अलावा इनके अंदर भी दो टेस्टिस होगा और एक क्या होगा, सिंगल ओवरी होता है। ये कौन है, फैसियोला हिपैटिका। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि इनके अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इसके लाइफ में जो है बहुत सारे लार्वल स्टेज आएंगे। कौन कौन से लार्वल स्टेज है पहले इसको हम लोग जान लेंगे, फिर इस लाइफ साइकिल को देखेंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगा। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से लार्वल स्टेज है, तो पांच लार्वल स्टेज है आपको याद रखना है। पहला मीरासीडियम लार्वा है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं स्पोरोसिस्ट, तो पहला क्या है मीरासीडियम लार्वा, ये फर्स्ट लार्वा है, ठीक है ना, ये क्या है फर्स्ट लार्वा। और दूसरा दूसरा क्या है स्पोरोसिस्ट, तीसरा क्या है रेडिया, तीसरा क्या है सर्केरिया लार्वा, और पांचवा क्या है मेटा सर्केरिया लार्वा। तो पहला क्या है मीरासीडियम, दूसरा क्या है स्पोरोसिस्ट, तीसरा क्या है रेडिया, चौथा क्या है सर्केरिया लार्वा, और पांचवा क्या है मेटा सर्केरिया लार्वा। तो ये पांच तरह के लार्वल स्टेज आते हैं किसके अंदर, फैसियोला हिपैटिका के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखा है क्या, प्राइमरी होस्ट गेट्स इन्फेक्शन थ्रू मेटा सर्केरिया लार्वा, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट जो है वो सबसे पहले इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, मेटा सर्केरिया लार्वा के थ्रू। और प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, सिप, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, मेटा सर्केरिया लार्वा। सेकेंडरी जो होस्ट होता है उसको इन्फेक्शन कौन करता है, वो करता है कौन, मीरासीडियम लार्वा, ये सेकेंडरी होस्ट को करता है, और सेकेंडरी होस्ट इसको कौन होता है, स्नेल, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे मीरासीडियम लार्वा जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी होस्ट स्नेल पे क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और प्राइमरी होस्ट पे कौन करता है, मेटा सर्केरिया। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है देखिएगा, द प्राइमरी होस्ट गेट्स इन्फेक्शन थ्रू मेटा सर्केरिया लार्वा,
वाइल सेकेंडरी होस्ट थ्रू मीरासीडियम लार्वा। ठीक है ना, इस सारे लार्वल स्टेज का नाम आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि ये लार्वा स्टेज किस जो है प्लेटिहेलमिंथस से रिलेटेड है। तो पांच आपको याद रखने हैं, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। देखिए क्या, मीरासीडियम इज फ्री स्विमिंग सिलिएटेड। मीरासीडियम जो लार्वा होता है वो क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड होता है। इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, एपिकल पैपिला होता है, ठीक है ना, एपिकल ग्लैंड्स होते हैं, वन पेयर पिगमेंटेड आईज होता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ब्रेन होता है, जर्म बाल्स होते हैं और नॉन फीडिंग स्टेज होता है। ये सारे जो होते हैं मीरासीडियम लार्वा में पाए जाते हैं। जो इन्फेक्शन करता है, जो सेकेंड होस्ट होता है उसको, जिसको हम कहते हैं क्या, स्नेल। ठीक है ना, सेकेंडरी होस्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है, ये मीरासीडियम लार्वा है जो किस पे इन्फेक्शन करता है, सेकेंड वाले होस्ट पे। इसमें देखिएगा, सीलिया पाया जाता है, एक्सक्रीटरी पोर पाए जाते हैं। सीलिया जो होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, जर्म बाल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल जो एक क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, फ्लेम सेल को ही प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, आइस पाया जाता है, नर्व मास पाए जाते हैं, एपिकल ग्लैंड्स पाया जाता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स होते हैं और ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, एपिकल पैपिला और सेकेंडरी ग्लैंड्स। तो ये सारे जो है नाम होते हैं कि किसका है, स्ट्रक्चर है मीरासीडियम लार्वा का। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा जो लार्वल स्टेज है रेडिया। रेडिया की अगर हम बात करते हैं, रेडिया हैज ए कॉलर। रेडिया के पास क्या क्या है, कॉलर, लैपेट्स, बर्थ पोर इसके पास होते हैं, जर्म बॉल्स भी होता है, फ्लेम सेल्स भी होते हैं, ये पाया जाता है रेडिया के अंदर। और इसी रेडिया के अंदर सर्केरिया भी होता है। सर्केरिया क्या है, सर्केरिया इज ए टेल लार्वा हैविंग साइटोजिनस ग्लैंड्स, वाइल मेटासर्केरिया इज इनसिस्टेड स्टेज। ठीक है ना, इनसिस्टेड स्टेज मतलब ये बाहर होता है। इट काजेस लिवर रॉट या सीरोसिस या फैसियोलियोसिस, फैसियोलियोसिस डिजीज इन सीप। ठीक है ना, ये खास बात है कि ये कौन सा डिजीज काज करता है, तो फैसियोला हिपेटिका की वजह से जो डिजीज होता है प्राइमरी होस्ट के अंदर, वो लिवर रॉट या सीरोसिस या फैसियोलियोसिस डिजीज इन सीप। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, रेडिया लार्वा का। और रेडिया लार्वा में देखिए क्या है, इसमें भी स्क्रेटरी ऑर्गन है, लैपेट होते हैं, ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम लैपेट कहते हैं, जर्म बाल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स जो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन या स्क्रेटरी सेल्स होते हैं, सर्केरिया लार्वा भी मैंने बताया, ये सिस्ट, इस सिस्ट के अंदर या रेडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गट पाया जाता है, कॉलर होता है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, फेरिंग्स होता है, माउथ होता है और बर्थ पोर भी प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर होता है किसका, रेडिया लार्वा का। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो कैसे लाइफ साइकिल चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो लाइफ साइकिल है ये है फैसियोला हिपैटिका का। ठीक है ना, फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया कि ये दो तरह पे डिपेंड रहता है। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं मेटासर्केरिया लार्वा, तो मेटासर्केरिया लार्वा जो होता है सबसे पहले इन्फेक्शन करता है। ये देखिएगा, ये है मेटासर्केरिया लार्वा, तो सबसे पहले इन्फेक्शन किया पिग, फिग जो है पिग के अंदर ये डेवलप करते हैं और उसके फिकल के थ्रू ये बाहर आते हैं, एग के अंदर ये डेवलप करते हैं और फिर ये चेंज हो जाता है किसमें, मीरासीडियम में। ठीक है ना, फिर मीरासीडियम लार्वा से फिर क्या करता है, सर्केरिया, फिर सर्केरिया से फिर क्या बनेगा, वो रेडिया के अंदर होता है, फिर रेडिया से मेटासर्केरिया। तो इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इसके अंदर दो है, ये देखिएगा, ये मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्शन किया किसके अंदर, स्नेल के अंदर, और मेटासर्केरिया लार्वा जो है किसके अंदर इन्फेक्शन किया, सिप के अंदर। अब यहाँ पे हमने रेडियल लार्वा को देखा, अब एक और लार्वा होता है जिसको हम कहते हैं सर्केरिया लार्वा। ये सर्केरिया लार्वा का स्ट्रक्चर है, ये भी देखिएगा, इसमें ओरल सकर्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ओइसोफेगस होते हैं, गट होते हैं, फ्लेम सेल्स, सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स होते हैं, एसिटाबुलम होता है, जर्म सेल, एसिटाबुलम जो होता है अभी हम आपने देखा,
इसको हम जो है सेकेंडरी सकर्स कहते हैं, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है सर्केरिया लार्वा का, जो किसमें होता है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था रेडिया के अंदर प्रेजेंट था, ये कहा गया ये वाला, ये देखिए ये सर्केरिया लार्वा, ये वाले स्ट्रक्चर हमने देखा गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, तो ये जो हमने कंप्लीट पढ़ा ये था क्या, फैसियोला हिपेटिका के बारे में है। फैसियोला हिपेटिका में जो मेन है वो आपको इस लार्वल स्टेज को जानना है, जिसमें क्या है, मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया प्राइमरी इन्फेक्शन करता है, जिसको हम कहते हैं सिप पे, और दूसरा जो होता है मीरासीडियम लार्वा स्नेल पे, जिसको हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं टीनिया पे, टीनिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा टीनिया की अगर हम बात करते हैं, इनको हम टेपवॉर्म कहते हैं, टीनिया को हम क्या कहते हैं, टेपवॉर्म कहते हैं, और ये भी कहते होते हैं डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट। सबसे खास बात आपको याद रखना है, इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन है, ह्यूमन। टीनिया का जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग है, पिग फॉर पॉर्क टेपवॉर्म। पॉर्क टेपवॉर्म जो होता है वो पिग के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं टीनिया सोलियम, ठीक है ना। या कैटल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम बीफ टेपवॉर्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टीनिया सेजिनेटा, ठीक है ना। बीफ टेपवॉर्म, टीनिया सेजिनेटा, पॉर्क टेपवॉर्म किसको कहते हैं, टीनिया सोलियम, ये भी दोनों वर्ड आपको याद रखना है। बीफ टेपवॉर्म कौन है, टीनिया सेजिनेटा, और पॉर्क टेपवॉर्म कौन है, टीनिया सोलियम। प्राइमरी इन्फेक्शन किस पे होता है, या प्राइमरी होस्ट कौन सा है, ह्यूमन है, ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग है या फिर कैटल, ठीक है ना। इट्स बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी होती है वो स्यूडो सेगमेंटेड होती है, इनकी भी बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड और डिवाइड होती है स्कॉलेक्स में, नेक में और स्ट्रोविला, जो आगे हमने पीछे भी हमने देखा भी है। स्कॉलेक्स जो होते हैं, स्कॉलेक्स कंसिस्ट ऑफ रोस्टेलम प्रोवाइडेड विथ हुक्स इन टू सर्कल, ठीक है ना। रोस्टेलम होता है और दो हुक प्रेजेंट होते हैं, फोर सकर्स होते हैं फॉर अटैचमेंट के लिए, ठीक है ना, फोर सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो किससे कंसिस्ट होता है स्कोलेक्स, रोस्टेलम होता है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं दो सर्कल में, और चार सकर्स होते हैं किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, देखिएगा क्या क्या मैंने बताया कि इसके अगर मैं स्ट्रोविला के अगर ये सॉरी ये स्कोलेक्स का स्ट्रक्चर है, इस स्कोलेक्स में ये रोस्टेलम है, ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, ये ऊपर का पार्ट है, ये जो आप पार्ट दिख रहे हो ये ऊपर वाला है, ये वाला पार्ट, और उसी पे जो है रोस्टेलम पे हुक्स होते हैं दो रॉ में, ये पहला रॉ और ये दूसरा रॉ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पे सकर्स होते हैं, ये वाले सकर्स कई सारे जो होते हैं, फोर सकर्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये किसका स्ट्रक्चर है, स्कोलेक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक इज मिडल पार्ट हैविंग बडिंग जोन और रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन फ्रॉम विच न्यू प्रोग्लॉटिस एराइज। नेक जो होता है मिडल पार्ट होता है और बडिंग जोन को भी रखता है और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। प्रोलिफरेशन का मतलब बाद में वो अलग हो जाए और अलग होके एक नेक प्रोग्लॉटिस का फॉर्मेशन करे। स्ट्रोविला इज मेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ अबाउट 800 to 1000 प्रोग्लॉटिस। स्ट्रोविला जो है, मैंने जो तीसरा पार्ट बताया था, तीन पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट स्कोलेक्स, दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं नेक, और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोविला। स्ट्रोविला 800 to 1000 प्रोग्लॉटिड्स से बना होता है। तीन तरह के इसमें प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, एक होता है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, खास बात इसको भी याद रखिएगा, विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कैसा होता है, विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स के अंदर, सॉरी इमेच्योर। मेच्योर प्रोग्लॉटिस की अगर हम बात करें विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर मेच्योर है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे ही। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस की अगर हम बात करें, इसके अंदर ब्रांच यूट्रस होता है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एग्स भी होते हैं, विथ ब्रांच यूट्रस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स। इच मेच्योर प्रोग्लॉटिस है 200 टेस्टिस एंड सिंगल बाइलोब्ड ओवरी, ठीक है ना। बाइलोब्ड ओवरी होता है और 200 से 200 लगभग जो है टेस्टिस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, ठीक ना, इसके बॉडी के अंदर, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये था क्या, टीनिया। और क्या है, देखिएगा
सेपरेशन ऑफ ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एपोलिसिस। याद रखिएगा एपोलिसिस क्या है। तो एपोलिसिस को हम क्या कहते हैं कि जब एपोलिसिस क्या देखिएगा, जब जो है ग्रेविड प्लोग्लॉटिस का जो है क्या होता है, सेपरेशन होता है बॉडी से, इसी को हम कहते हैं क्या, एपोलिसिस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये एपोलाइसिस, इट हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता टीनिया के अंदर, हेंस एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एबसेंट होता है, जो एक ट्यूब है जो माउथ और एनस के थ्रू ओपन होते हैं वो नहीं पाए जाते। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को किसी होस्ट के थ्रू, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके बाहर के इंटेगुमेंट सेल से ही वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट्स हैज मेलिस ग्लैंड कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन। मेलिस ग्लैंड जो होता है जो किसके साथ कंसर्न होता है, रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद रखिएगा कि मेलिस ग्लैंड किससे रिलेटेड है, तो वो रिप्रोडक्शन से। इट्स लार्वल स्टेज आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लार्वल स्टेज कौन कौन से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है लार्वल स्टेज के बारे में। तीन लार्वल स्टेज है और दो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है। पहला जो है जिसको हम कहते हैं ऑन्कोस्फियर, पहले वाले को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं ऑन्कोस्फियर, और दूसरे वाले को हम नाम देते हैं क्या, ब्लैडर वॉर्म, सॉरी हेक्साकैंथ, और फिर उसके बाद क्या आता है, ब्लैडर वॉर्म। तो ये तीन है, पहला क्या है ऑन्कोस्फियर, दूसरा क्या है हेक्साकैंथ, और तीसरा क्या है ब्लैडर वॉर्म। ब्लैडर वॉर्म की जगह कहीं कहीं पे नाम दिया रहता है क्या, सिस्टी, सर्कस लार्वा। ठीक है ना, सिस्टी सर्कस लार्वा। तो ऑन्कोस्फियर, हेक्साकैंथ और ब्लैडर वॉर्म, ये तीनों लार्वल स्टेज है किसके, टीनिया के, टेप वॉर्म के। याद रहेगा, याद कर लीजिए। सिस्टी सर्कस भी किसका है, ये भी एक लार्वल स्टेज है किसका, टीनिया का। अब हम लोग आगे आते हैं। द प्राइमरी होस्ट गेट्स इन्फेक्शन थ्रू ब्लैडर वॉर्म। जैसे हमने वहां पे देखा था ना, प्राइमरी होस्ट वहां पे इन्फेक्शन देखा था तो मेटासर्केरिया किया था, और सेकेंडरी होस्ट जो था तो क्या था, वो मीरासीडियम था। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्शन कौन करता है, ब्लैडर वर्म या सिस्टिसीरस, और सेकेंडरी पे कौन करता है, ऑन्कोस्फियर। यहाँ पे वही चीज है कि द प्राइमरी होस्ट गेट्स इन्फेक्शन थ्रू ब्लैडर वर्म या सिस्टिसीरस लार्वा, वाइल सेकेंडरी होस्ट थ्रू ऑन्कोस्फियर। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है इन्फेक्शन होता है प्राइमरी होस्ट पे किसके थ्रू, ब्लैडर वर्म के थ्रू, और सेकेंडरी पे किस पे, सेकेंडरी होस्ट जो होता है उस पे किस पे होता है, ऑन्कोस्फियर। अच्छा, प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट जो होता है वो कौन है, अभी मैंने बताया ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी होस्ट में हमने क्या देखा, सेकेंडरी होस्ट में मैंने देखिए यहाँ पे दो होता, एक जो था जिसको हम कहते थे क्या, जिसको हम पिग कहते हैं, पिग भी है, और दूसरा क्या है जिसको हम कैटल कहते हैं, और भी कुछ एनिमल्स हैं उनमें भी होता है। तो पिग या कैटल जो होते हैं इनके क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट होते हैं, या तो पिग कहिए या फिर कैटल, फिर इनसे इन्फेक्शन फिर ह्यूमन को होगा। ठीक है ना, किसके थ्रू होगा इन्फेक्शन, सिस्टिसीरस लार्वा के थ्रू। अब ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा पॉइंट है देखिएगा, ब्लैडर वर्म काजेज सिस्टिसिरोसिस। ब्लैडर वर्म किसको काज करता है, सिस्टिसिरोसिस को, नाम से ही है सिस्टिसिरस लार्वा की वजह, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, मोर डेंजरस। ठीक है ना, ये क्या है, मोर डेंजरस। वाइल एडल्ट काजेज टीनियासिस, एडल्ट जो होते हैं वो क्या काज करते हैं, टीनियोसिस, और ये क्या होते हैं, लेस डेंजरस डिजीज होते हैं। तो इनके वजह से, इन दोनों लार्वा की वजह से दो तरह के डिजीज, ब्लैडर वर्म की वजह से क्या होता है, सिस्टिसिरोसिस, और अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं टीनियोसिस होता है। तो इस तरह के ये डिजीज है, और ये किससे रिलेटेड है, टीनिया सोलियम से। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों लार्वल स्टेज के जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, एक है ऑन्कोस्फियर, ये है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
जो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। तो ऑन्कोस्फियर जो होता है वो इन्फेक्शन करता है पिग या कैटल के अंदर। और जो ये है सिस्टिसीरस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म, इसके ऊपर स्कैलेक्स होता है, ठीक है ना, स्कॉलेक्स, और ये ब्लैडर होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं कहाँ पे, ह्यूमन में, ठीक है ना। ये दोनों जो है, ये दोनों जो डायग्राम है, ये जो दिख रहा है ये किसका है, टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेज का। ये सिस्टिसीरस लार्वा जो ह्यूमन के अंदर, और ये ऑन्कोस्फियर लार्वा जो कैटल या पिग के अंदर। ये डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है, ठीक है ना, डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये है पिग, और ये ऑन्कोस्फियर लार्वा जो है इसको क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। फिर इन्फेक्शन करने के बाद फिर ये निकलता है, और फिर जो है ये एक दूसरे जो है लार्वल स्टेज में चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टिसीरस लार्वा। और ये फिर जाके इसके इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर ये जो है एडल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और फिर वो एडल्ट चिपका रहता है, और फिर इसके थ्रू जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू, फिर ये टूट के जो है फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। फिर पिग जब उसको खाता है उसके बॉडी के अंदर, ऑन्कोस्फियर जो है वो चले आते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइफ साइकिल है जो डायग्रामेटिकली देखा गया है या रिप्रेजेंट किया गया। अब दो और है जिसको हम कहते हैं सिस्टोसोमा, जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट्स होता है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पिछला देखा है, पहला क्या था, पहला जो था जिसको हम कहते हैं क्या, लिवर फ्लू। दूसरा जो था जिसको हम कहते हैं क्या, टेपवर्म, ठीक है ना। इन दोनों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। डायजेनेटिक पैरासाइट होता है सिस्टोसोमा, जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, इसको भी याद रखिएगा, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, स्नेल होता है। डायजेनेटिक नाम आया इसका मतलब दो होस्ट होंगे ही। और ये जो होते हैं सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म को शो करते हैं। इट शोज वेल मार्क्ड सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म एज द मेल हैज, ये मेल है MALE, मेल हैज ए गाइनोसिफोरिक कैनाल। गाइनोसिफोरिक कैनाल जो होता है मेल के अंदर होता है, ठीक है ना, और उसी के अंदर फीमेल भी पाया जाता है, ठीक है ना, मेल के अंदर ही फीमेल भी होता है। इट काजेज सिस्टोसोमियासिस या बाइल हर्जियोसिस, ये डिजीज होता है किसके वजह से, सिस्टोसोमा की वजह से, जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट है, ये देखिएगा, ये डायग्राम है, ये है किसका डायग्राम, सिस्टोसोमा का। ये वाला जो है ये है फीमेल पार्ट, ये जो मैंने कलर कर रहा है ये फीमेल वाला है, और ये जो मोटा सा दिख रहा है वो क्या है, मेल है, ठीक है ना। मेल के अंदर ही फीमेल होता है, इसीलिए इसको हम क्या नाम दिया गया है, ये गाइनोसिफोरिक कैनाल, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे लास्ट जो है उसको हम कहते हैं क्या, इकाइनोकोकस। इसका नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है डॉग टेपवर्म किसको कहते हैं, तो डॉग टेपवर्म हमेशा याद रखिएगा, इकाइनोकोकस को कहते हैं। और हाइड्रेटेड टेपवर्म किसको कहते हैं, हाइड्रेटेड टेपवर्म भी किसको कहते हैं, इकाइनोकोकस को कहते हैं, ठीक है ना। इकाइनोकोकस को डॉग टेपवर्म या हाइड्रेटेड टेपवर्म के नाम से जानते हैं। ये कैसा होता है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट क्या है इसके, प्राइमरी होस्ट डॉग है, वुल्फ है, फॉक्स, कैट, ये कोई भी हो सकता है, वाइल सेकेंडरी होस्ट इज कैटल, सीप या गोट। इट्स एडल्ट हैज थ्री पार्ट, इसके पास भी तीन पार्ट होता है, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, ठीक है ना। अब स्ट्रोबिला भी तीन तरह के प्रोग्लॉटिड्स को रखते हैं, एक इमेच्योर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मेच्योर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और एक क्या होता है, तीसरा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है ना। और ये डायग्राम है किसका है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। देखिएगा, स्कॉलेक्स, नेक और ये जो है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और ये भी तीन पार्ट में, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में ये डिवाइड होंगे। टेस्टिस होगा, सीरस सैक होता है, ओवरी भी होता है, यूट्रस भी होता है, और ब्रांच यूट्रस विथ एग भी होते हैं। यहाँ पे सकर्स भी होते हैं और हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। तो इस तरह से एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक जो है फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस का समाप्त होता है।
तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आपके मैसेज के थ्रू, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।